उसके साथ आप लोग को क्या करना चाहिए? आज जो हो रहा है आप लोग को मालूम है ना, आप लोग जैसे लोग बच्चा के साथ रेप हुआ ना, तो इसलिए आप लोग उसको साथ देने आए हैं ना। और क्या करना चाहिए उसके साथ, रेपिस के साथ? फांसी लगा देना, फांसी देना चाहिए ना। ओके थैंक यू। फ्रॉम केजीबी ना, कस्तूरबा गांधी। जो है ऐसा है, मास मोलिस्टेशन हुआ है। जब इस खबर को हम लोगों ने सुना तो हम लोग तुरंत वहाँ स्पॉट में जाके उसके बाद स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट लिया तो पता चला कि एक नहीं दो नहीं बल्कि मास मोलिस्टेशन हुआ था यहाँ पे। नॉट ओनली द गर्ल्स बट ऑल्सो द बॉयज वेर मोलिस्टेड बाय वार्डन, डियर वार्डन नेम युमकिन बागरा, जो हमारे कारा रेसिडेंशियल स्कूल का वार्डन था। कि उन्होंने अबाउट 9 ईयर्स वहाँ काम किया लगभग। तो इसे सुनने में बच्चों के स्टेटमेंट से ये पता चला कि, और पेरेंट्स के स्टेटमेंट से भी ये पता चला कि वो 9 साल तक, 4-5 साल तक बहुत अच्छा से चलाया और बच्चों को हिंदी बोलना भी अच्छा से सिखाया। बट आफ्टर दैट, आफ्टर 4 ईयर्स उसके बच्चे, बहुत सारा बच्चे था स्कूल में, वार्डन हॉस्टल में लगभग 60-70 बच्चे थे हॉस्टल में। तो आस्ते आस्ते करके वो स्कूल छोड़ के जाना शुरू हुआ, पढ़ना नहीं चाह रहा था, तो भाग रहा था, कोई तो ऐसे छोड़ के चला गया। देन जितना भी बच्चा बाद में स्टिल अभी जहाँ तक है, सिर्फ 8 बच्चे उनके साथ थे हॉस्टल में, सब बच्चा भाग चुका था। तो ये भागने के कारण को बच्चों को पूछा तो पेरेंट्स लोग ने पूछा कि किस लिए आप स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते हैं, पहले तो अच्छा था। तो ये बताया गया कि सार मारते हैं पीते हैं, सर अच्छा नहीं है। एक्चुअली जो मेन फैक्ट को वो रिवील नहीं कर सका डर के कारण, क्योंकि उसको धमकी देता था, बोले सर जो मार के काट के फेंकेगा बोल के। और इवन आउटसाइडर मतलब ये डिस्कॉलर को भी बात करने नहीं देता था बोला हॉस्टेलर को। उसको एक्सपोज जो है पहले से, अभी पहले बता है 9 साल से था वो, तो एक्सपोज तब हुआ जब 12 साल की 2 बच्चियां जो ट्विंस थे उन्होंने हॉस्टल को छोड़ के चला भागा, जब सर ने उनको मोलेस्टेड किया बहुत बुरी तरह। तो बच्चों के स्टेटमेंट के मुताबिक तो वो भाग के, उसके पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि वो भागा हुआ है। तो दोस्त के साथ वो जो है डे स्कूलर से जा रहा था, जब किसी पेरेंट्स ने बताया आपके बच्चे तो डे स्कूलर से आ रहा है स्कूल में, हॉस्टल में नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला, अपने बच्चों को पूछा, अरे ऐसे कैसे आप दोनों? तो फिर उन्होंने कहा कि ये सर के कारण हम लोग ऐसे हुआ है, सर जो है हमको मोलेस्टेड करता है, हमको पर्स फुली सुलाता है, देन बहुत सारा दवाई खिलाता है, ऐसे से कहा। देन उसके बाद उन्होंने कहा पिताजी से, बहुत रो के कहा कि हम अभी वो स्कूल में नहीं पढ़ेगा, पढ़ने से तो उस वो स्कूल में जाने से तो अच्छा हम फांसी लगा के मरेगा, सुसाइड करेगा बोल के। तो इस बच्चे दोनों के कारण ये जो है केस जो है मोलेस्टेशन केस जो है एक्सपोज हुआ। हम लोगों ने आज धरना जो है मेचुका एडीसी के ऑफिस में किया, और ये धरना जो है वो सक्सेसफुल रहा। और इसी में हम लोग का ये जो है कल्पित जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम धरना किया, पीसफुल धरना किया FEWW ऑर्गेनाइज बाय FEWW मेचुका यूनिट एंड आथो गोयर आवेलपिर सोसाइटी, दोनों मिलकर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया एंड इन कोलाबोरेशन विथ अदर NGOs एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, स्कूल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड अदर सोसाइटीज, जो हमको बहुत कोलाबरेट किया, जैसे कि आमसू बहुत ये साथ दिया। और ये जो पीस रैली जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा, मत लेकिन यहाँ में कंसर्न अथॉरिटी जो है नहीं था यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ में एक्चुअली DC भी प्रेजेंट नहीं था, हमारे डिप्टी कमिश्नर CEO मी, उसके बाद SP जो है हमारे SP भी, सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी उस समय धरना के समय में मौजूद नहीं था। जस्ट यहाँ पे हम लोग OC PS श्री लिंगनुंग मुनी ही प्रेजेंट था, और कई 2-3 सिपाही था। हाँ, हम लोगों ने
CEC APWWS स्टेट लेवल में हम लोग अभी इसको रिपोर्ट के भी भेजा और हम लोग कम्युनिकेट भी किया। और ये जो है कल्प्रिट जो है अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, जो एमएलए सर ने आपको बताया, पासंग दर्जी सोना सर जो है, स्पीकर सर जो, वो सही कहा है, जो कल्प्रिट जो है अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, स्टिल एब्सकॉन्डिंग। और हमारे डिमांड्स यहाँ पे बताया गया है कि अर्ली अरेस्ट ऑफ कल्प्रिट यूमकेन बागरा। और सेकंड पॉइंट है कि केस जो है बहुत डिले हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे केस का इंचार्ज को भी हम चेंज करने का यहाँ डिमांड में दिया हुआ है। और उसके बाद डीसी और एसपी साहब को भी ये डिमांड है कि केस को जल्द से जल्द इसको कल्प्रिट को अरेस्ट करें, अदरवाइज हम लोग डेमोक्रेटिक वे में फिर एक उसके बाद हम पर्दर वो जो है रैली फिर धरना बेटेगा, तो उसको अपडेट आपको देते रहेगा बाद में।